है तो 10,000 रुपया दो पहले उन्हें, उसके बाद में मिलो। नहीं समझे, हम बात कर रहे हैं बंसिका के, हापुड़ वाले। करेंगे, हेल्प करेंगे। इन्होंने मेरे से 10,000 रुपए मांगे वीडियो बनाने के। ठीक है, चलो पैसे की तो कोई बात नहीं थी, पैसे तो दे भी देते, लेकिन 10,000 रुपए करके आए। मतलब कि आज तक मैं हर एक स्टार से मिलाऊँ, शिवानी, अंजलि चौर, ब्यूटी खान से लेके हर एक स्टार से मिलाऊँ। मेरा अकाउंट है आरण्य से लेके जो बड़े यूजर है, मैं उनसे भी मिल चुका हूँ जो नोएडा में रहते हैं, बिल्कुल से भी मिल चुका हूँ गाइस, मतलब सबसे मिल चुका हूँ, मगर मुझे यहाँ आके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो राम राम भैया, आए गए फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज बात करने वाले हैं उन्हीं के बारे में जो नेक से फेमस होने के बाद में इतने एटीट्यूड में आएंगे, घमंड में आ गई हैं, जो किसी से मिलने ही नहीं चाहती हैं। उनसे अगर मिलने हैं तो 10,000 रुपया दो पहले उन्हें, उसके बाद में मिलो। नहीं समझे, हम बात कर रहे हैं बंसिका के, हापुड़ वाले। तो एक भैया उनसे मिलन गए हैं, तो उनने उनसे मांगे 10,000 रुपया, और गेट पर इतना भारी पर्चा लगाए रखो भाई, उनने मिलेंगे जा लगे तो प्रधानमंत्री मोदी बन गई हुए कि हाँ अंदर आना मना है। अरे भैया, कोई अगर तुम फेमस हो गई हो, कोई तुमसे मिलन आ रहा है, तो वैसे मिलन में कहाँ दिक्कत है? 10,000 रुपया चाहिए तुम्हें मिलन के लिए? तुम लोग सोच रहे हो अपने मुंह से इसे बकराएंगे बकराएंगे, लेकिन बकना रहे पहले तो जब वीडियो देख लो, बाकी बाद में विश्वास करियो मेरो, देखो वीडियो बाकी बाद में बता रहे आगे हो। उत्तर कुमार, वो कौन होता है मना करने वाला किसी को? गलत है ना, वो तो अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। यहाँ हम वंशिका की वीडियो बनाने आए थे 100 किलोमीटर चल के। ठीक है जी, अब दिक्कत ये हो गई, यहाँ पर ये वीडियो बनाने से मना कर रहे हैं, पता नहीं, बोल रहे हैं कि उत्तर कुमार ने मना किया है और पैसे भी मांग रहे हैं। चलो पैसे की तो कोई बात नहीं, गरीब लड़की है, लेकिन मना कर रहे हैं। और चलिए एक एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख लो, ये इन्होंने यहाँ पर लिख दिया बिना आज्ञा आना अंदर मना है। ठीक है जी, तो ऐसा है, अब इनको कौन समझाए? जितने ज्यादा यहाँ पर लोग आएंगे इतने ही ज्यादा ये वायरल होंगे। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं मतलब? ठीक है तो बताओ, हम तो इतनी दूर से आए थे कि मैं, चलो भाई लड़की की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। इन्होंने मेरे से 10,000 रुपए मांगे वीडियो बनाने के। ठीक है, चलो पैसे की तो कोई बात नहीं थी, पैसे तो दे भी देते, लेकिन 10,000 रुपए। भैया नमस्कार, आपका क्या नाम है? मनीष कुमार। मनीष कुमार, हम देखो 100 किलोमीटर दूर से है, 2 मिनट। ठीक है, 100 किलोमीटर दूर से है। ठीक है, तो वीडियो बनाने में क्या आ जाता है बंसी का? वो जाने, हम तो अलग रहते हैं। अच्छा, आप अलग रहते हैं। 10,000 रुपए मांग रही है बताओ वीडियो बनाने के, उसकी मम्मी तो बाहर रहते हैं। यहाँ पे बाहर रहते हैं। ठीक है, आंटी जी रोज कितने लोग आते हैं यहाँ पर? लाइन लगी रहे, लाइन लगी रहे, कोई भी ना दिखाई दे रहा मुझे। अभी गए अभी गए हैं। हाँ। सबसे पैसे लेते हैं, सबके पैसे मेरे से तो मांगे इन्होंने 10,000 रुपए मांगे होंगे इन सनों, कह दी होगी का पैसे लो, इन्हें बनाने बनाने वाले के मारे। मतलब लोग वहाँ इतने दूर से चल के आ रहे हैं, 1,000-1,000 रुपए का तेल फूंक के आ रहे हैं, तो वो क्या बेवकूफ है वो? इसलिए पैसे लेने चाहिए ना, अभी ना किसी ने कह दी होगी। और भाई जो कोई पढ़ा लिखा इंसान हो तो उसको समझाया भी जाए, अब इसको मैं क्या समझाऊं, इनको मैं इनके परिवार वालों को कैसे समझाऊं? जितने ज्यादा इनके इंटरव्यू होंगे उतनी ज्यादा वायरल होगी। और मुझे तो वीडियो देखी, देख ली हुई, हमें पता है जरूर देखी हुई है, तुम मनी हुई ना बिना देखे तुम लोगों, तो विश्वास आएगा हो ना विश्वास आए हो। तो भैया एक और हैं जो कि दिल्ली से गए थे मिलन के लिए, उनके लोग और मिलन गए हैं, इनकी भी थोड़ी देर बाद सुन लियो जे का कह रहे हैं, बाकी बाद में आगे बता रहे हैं। हेलो गाइस, जैसे भी आप सब जानते हैं वंशिका जी से बहुत बहुत दूर से मिलने आ रहे हैं, और ये भैया आए थे लेकिन ये मिल नहीं पाए,
अच्छा भैया आप कहाँ से आए हो? मैं फरीदाबाद लखनऊ से, लखनऊ से हम तो लखनऊ से इतना दो दिन का ट्रेवल करके आए, मतलब कि आज तक मैं हर एक स्टार से मिला हूँ, शिवानी अंजलि चौर ब्यूटी खान से लेके हर एक स्टार से मिला हूँ। मेरा अकाउंट है RL Babu 08, आप चेक कर सकते हो जाके, हर एक स्टार से मिला मुझे, इतने से लेके जो बड़े यूजर है मैं उनसे भी मिल चुका हूँ, जो नोएडा में रहते हैं मेरे उनसे भी मिल चुका हूँ गाइस, मतलब सबसे मिल चुका हूँ, मगर मुझे यहाँ आके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैं कहना जो स्पष्ट बात कर रहा हूँ, आप मेरी आई डी चेक, और सुबह से बैठे हम दो दिन का ट्रेवल करके आए और फिर भी हमारा मतलब हम बुलना कुछ जा रहे हैं। मैम गिफ्ट लेके आई थी फोन, इन्होंने कहा कि फोन ले लें देने के लिए, उनका फोन नहीं है, मतलब जब हम ना खुशी ना बताएंगे तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगा, मैं तो यही कहना चाहूंगा। और मुझे लिंक दे देना, तो मैं मेरे इंस्टा पे 1,02,000 सब्सक्राइबर मैं वो मतलब स्टोरी लगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं ये भाई मिलने आए थे काफी दूर से, लेकिन इन्हें बहुत ही ज्यादा निराश होकर जाना पड़ रहा है, वंशिता जी नहीं मिल पाई, घर होते हुए भी नहीं मिल पाई। जबकि गाइस मेरा कहने का मतलब है आप मेरे अकाउंट को एक बार मतलब विजिट करना, मैं मतलब हर एक लोग से मिला हुआ हूँ, बट यहाँ आके मतलब हम दो दिन का ट्रेवल करके आने के बावजूद भी हमारा मतलब यहाँ आना मतलब वो हुआ, बस इतना आया, क्यों नहीं मिलने दिया क्या कैसे मुझे नहीं पता। मैंने वहाँ खबर देखी थी, दीदी आ रही थी मेरी इंस्टाग्राम, मतलब वो भी अच्छी यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पे भी उनके 5,00,000 सब्सक्राइब, मतलब वो भी आ रही थी, उन्होंने कहा पहले आप देख के आओ कैसा क्या, तो मैं आया था, मगर जैसा था अच्छा लगा भैया आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम आप बोलना चाहते हैं? बोलो ना जो भी है, जैसे कि आप बताइए, चला ये बताना आपको आने में कोई परेशानी हो या नहीं, ये बताओ आप मिले हो नहीं मिले हो या कैसे मिले हो, पास बताना मैम। बहुत ज्यादा कुछ अच्छा मैम यहाँ पे मतलब सुबह मतलब था, ये मॉर्निंग में बोल देते हैं आप लोग नहीं मिल सकते, हम सुबह मतलब यहाँ 6 बजे आ गए, हम लोग यहाँ वेट क्या करते हैं, ये बोल देते नहीं मिल सकते। अच्छा आप किस टाइम आए थे? हम यहाँ पे वही 11:30 मतलब 6 बजे स्टेशन पे थे, फिर दूर से मतलब 8:30 तक यहाँ आ गए, फिर आने का हमने आंटी से पूछा आगे, क्योंकि हमें यहाँ बोर्ड पर्चा मतलब यूट्यूब में दिखा कि मिल लेना। तो देख ले वीडियो और बदनाम करो जा रहे हो ना उत्तर कुमार को, कि उत्तर कुमार ने मना करी है कि तुम वीडियो ना बना रहे, उत्तर कुमार हो तो कौन है भैया, उत्तर कुमार का मालिक है क्या तुम्हारे, या उनने तुम्हें पैदा करता हुआ है? उत्तर कुमार का वे तो कह दे कि तुम गंगा जी में कूद जाओ, तो गंगा जी में कूद जाइयो जाके, मजा बताओ कि उत्तर कुमार ने मना करो मिलन से। अरे भैया तुम्हारी मर्जी, जिससे चाहे भाषे मिलो, है कोई आदमी याद है कितनी आशा लेके आज तुमसे मिलन के लिए, और तुमों के घमंड में आ गई एकदम से, इतना घमंड दिखा रही हो कि नेक से फेमस होने के आदमी तुमसे इतनी दूर दूर से मिलन आता है, घर के भीतर बैठी रहती हो, आदमी चारों द्वारे सवेरे संजा हो जाता तो मिलती नहीं हो, जो कौन सा तरीका है जहाँ समझो अगर जनता उठा सकता है तो गिरा भी सकता है, तो इतना घमंड अच्छो नहीं है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और ना अच्छी लगे तो 2-4 गारी कमेंट में लिख के चले जाइयो। राम राम, मिलिए अगले ब्लॉग में।